हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एचआर फोकस के मंच पर। और दोस्तों, हम जो एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें आपकी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी वो करंट में चल रही है। 9th और 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। और आपको अगर बेसिक से सारी चीज़ों को समझना है, तो आप 11th क्लास की ये जो एनसीईआरटी चल रही है, इससे भी चुन सकते हैं। और 9th 10th के एनसीईआरटी को भी प्लेलिस्ट में जाके चैनल की ओनली एग्जाम फोकस चैनल जब आप देखोगे, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी करके एक पूरा मतलब सारी क्लासों का एक परफॉर्मा वहाँ होगा, ठीक है नहीं? वहाँ से आप सारी क्लासों को एक्सेस कर लोगे। 9th क्लास की एनसीईआरटी भी और 10th क्लास की भी और 11th क्लास की एनसीईआरटी का दोस्तों चौथा चैप्टर वो करंट में चल रहा है। कल मैंने जैसे पढ़ाया था आपको, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो दोस्तों, एनसीईआरटी मैंने आज पॉलिटी की क्लास में बताया था कि एनसीईआरटी आपके लिए क्यों जरूरी है। उसी समय वीडियो कठोर हो गया किसी टेक्निकल कारण की वजह से, इसलिए आगे क्लास नहीं हो पाई। उसके लिए संस्थान जो है आपसे क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसमें कभी भी हो सकती है, नेट की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, बस आपका जो डेडिकेशन था, आपका जो डेडिकेटेड होकर आप पढ़ रहे थे, वो काबिले तारीफ था। और ऐसे ही अगर सारी चीज़ें रहती हैं, तो दोस्तों इस पॉलिटी की क्लास को करने के बाद आप ये खुद कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा कि आप कितना बेहतर कर सकते हो। और उसी में मैं बता रहा था दोस्तों एनसीईआरटी का महत्व। तो मैंने आपको बताया था कि आपको चाहे आईएएस का एग्ज़ाम करना हो या आपको ईसीएस का एग्ज़ाम करना हो, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर बताता हूँ आपको, ये चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक है, ये हो भी गया था। और वहीं से मैं खोल देता हूँ जहाँ से अपना होना। तो ये चीज हमने पढ़ चुके थे, अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या क्या हम पढ़ चुके थे। चलो एक बार रिपीट ही कर देंगे दोबारा, जब रिपीट करेंगे तभी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का महत्व इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप आईएएस की क्लास कर रहे हों या आप पीसीएस की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों आईएएस हो या पीसीएस हो या एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल या किसी भी और अन्य एग्जाम की तैयारी हो, बैंक हो, किसी भी प्रकार की तैयारी हो, दोस्तों एनसीईआरटी जो है आपका जो जीएस फाउंडेशन है उसका बेसिक होता है। आप आईएएस करो, पीसीएस करो, एसएससीएल करो, बैंक करो, किसी की भी तैयारी करो, आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जीएस जो बनेगा दोस्तों, जीएस का ये आपके पास फाउंडेशन है, जीएस का ये फाउंडेशन है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से कर लोगे, फिर आपको जीएस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी में आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं। आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप देखते होगे इकोनॉमी वाला पोर्शन आपके समझ में नहीं आता, शेयर मार्केट में आपके कुछ समझ में नहीं आता, या बैंकिंग का सिस्टम समझ नहीं आता, इन सारी चीज़ों को समझने के दोस्तों आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और डेली क्लास लीजिए, ये मत सोचिए दोस्तों कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ या दो लोग पढ़ रहे हैं, चार लोग पढ़ रहे हैं, हमारा मतलब होता है पढ़ना, ठीक है नहीं? क्योंकि दोस्तों भीड़ हमेशा मतलब आप भीड़ के लीडर बनने की कोशिश कीजिए, आप भीड़ के पीछे फॉलोवर बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है नहीं? और दोस्तों मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको कर्म करने होंगे। तो कर्म करने होंगे दोस्तों, और जितना आपका कर्म, जितना आपका प्रयास रहेगा, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी का आपको बताया कि जीएस के लिए ये पिलर का काम करती है, और इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। तो मैं सारी एनसीईआरटी लगभग कवर करेंगे इस बार, इकोनॉमी में चल रहा है अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी में। कल हमने पढ़ा था दोस्तों निर्धनता चैप्टर हमने पढ़ा था,
और उसका कुछ पार्ट हो चुका था और आज दूसरे वीडियो में उसका पार्ट मतलब जो भी हमारा बचा हुआ था वो होगा। तो मैं थोड़ा सा एक जो है आपको बैकअप में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमने निर्धनता पढ़ा था, निर्धनता और ये जो चैप्टर है दोस्तों इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, कल आप अधिकारी बनोगे या हो सकता है कि आप भी मतलब ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जहां आपकी इतनी इनकम ना हो कि आप बेसिक सुविधाओं को ना नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। दोस्तों निर्धनता जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप ये समझ गए कि निर्धन लोग क्यों हैं, अगर ये आप समझ गए कि निर्धनता के कारण क्या है, तो दोस्तों आप एक अधिकारी के रूप में ना केवल निर्धनों के ये जो सरकार कार्यक्रम चलाती है उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, बल्कि दोस्तों उनके निर्धनों के मन में मतलब निर्धनों के प्रति आपके मन में संवेदना उत्पन्न हो। तो आप अधिकारी भी नहीं बने लेकिन कोई भी बड़े आप काम करते हो तो आप उन लोगों के लिए हमेशा काम करो। आप अगर गांव के प्रधान हो तो भी आप या प्रधान के जो प्रधान होते हैं उनके घर से संबंध रखते हो तो भी आपको गरीबों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। तो निर्धनता में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, शुरुआत से थोड़ा सा बैकअप लेते हैं तो उसके बाद अपने क्लास तक पहुंचते हैं, ठीक है नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पृष्ठभूमि में देखो ये एडम स्मिथ की बड़ी अच्छी लाइनें बताई थी मैंने कि कोई भी ऐसा समाज जो कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता उसके अधिकांश सदस्य दोस्तों निर्धन और दयनीय होते हैं। और एडम स्मिथ के बारे में आपको सबको पता होगा दोस्तों, इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है नहीं। तो इन्होंने बताया कि कोई भी समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता, जहां गरीबी होगी उनके परिवारों में दयनीय स्थिति बनी ही रहेगी। तो मैंने प्रस्तावना में आपको यही बताया था कि गरीबी है क्या, ठीक है नहीं। मतलब गरीबी, अगर मैं गरीबी के बारे में बात करता कि मैं कहूँ कि जहाँ निर्धनता है, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं नए प्राप्त करने का के लिए पैसे नहीं है, जहाँ भविष्य के प्रति भय है, जहाँ बच्चे शिक्षित नहीं हो सकते, शिक्षा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं आपके पास भवन, ठीक है नहीं, भोजन, आपके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बेसिक आवश्यकताएं होती है दोस्तों जो इन्हें नहीं प्राप्त कर सकता वो गरीब की श्रेणी में आता है। यानी जो मतलब सुविधाएं उसके व्यक्तिगत विकास के लिए, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो अगर वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो वह व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आता है। तो कल मैंने आपको प्रस्ताव में ये बताया था, इसमें सारी बातें मैंने यही बताई थी कि निर्धनता, निर्धन और धन दोनों विश्व को बदलने का आह्वान है, ठीक है नहीं। क्यों? अधिक से अधिक लोग पेट भर भोजन नसीब नहीं कर सकते, सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है, चिकित्सा और सुविधा नहीं है उनके पास, तो ऐसे लोग भी सुविधाओं को प्राप्त कर सकें तो पूरे विश्व को एक साथ मिलकर काम करना होगा इन लोगों को, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रस्तावना बताई कि निर्धनता क्या है, या आप कैसे पहचान करोगे दोस्तों कि निर्धनता कौन लोग निर्धन, कैसे पहचान करोगे। आप जैसे शहर में जाते हो तो आप सड़क पे ठेले लगाए हुए लोगों को देखते होंगे, या आपने देखा होगा कि छोटी छोटी दुकानें खोले हुए लोग बैठे रहते हैं और रोजाना का डेली मजदूर वर्क करते हैं, ठीक है नहीं। शहर में आपके पास जो प्रवासी मजदूर होता है जो पैसे कमाने के लिए बड़े सिटी से अपने गांव से बड़े सिटी जाता है, ठीक है नहीं। तो वो दोस्तों ऐसे जीवन जीने के लिए वहाँ तत्पर रहता है, इनकम इतनी होती नहीं, तो वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। जो रोजाना कमाता है, रोजाना खाता है, ठीक है नहीं। तो शहरों में तो जो प्रवासी मजदूर होते हैं या वो लोग जिनके पास संसाधन नहीं है या वो लोग जो डेली मजदूर हैं, ठीक है नहीं, वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो वही अगर गाँवों की बात करें दोस्तों, तो गाँव में जो भूमिहीन मजदूर हैं या जो कृषि श्रमिक हैं, ठीक है, या वो लोग जो बेरोजगार हैं, तो दोस्तों वो लोग जो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, जैसे मतलब बुजुर्ग लोग हैं या विधवा महिलाएं हैं या बच्चे, ये सारे चीज़ें निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। और निर्धनता के लिए देखो मैंने ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अनुपा और सुधा। तो ये एग्जाम्पल ही दोस्तों ये था अनु सुधा का, कि एक लड़की थी, उसका जन्म होता है एक गरीब परिवार में और एक लड़की का जन्म होता है अमीर परिवार में। तो जो गरीब परिवार में लड़की का जन्म होता है, उसकी माता जन्म से एक दिन पहले ही वर्क कर रही थी, ठीक है, और वर्क करते ही उन्हें प्रॉब्लम होती है और बच्ची का जन्म होता है। तो वहीं जो
पैसे वाली लड़की है, यानी कि जो अच्छे घर में पैदा हुई है सुधा, तो उसका जन्म हॉस्पिटल में होता है, उसे अच्छे से नहाया धुलाया जाता है, सही टाइम पर उसे मतलब दूध दूध की व्यवस्था या और आपके पास जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। तो ये शो क्या करता है, फिर जब बड़ी होती है, जो अनु है, जो गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है लेकिन उसकी रुचि है मतलब डांसिंग में, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, कूड़ा बीनती है जैसे बड़ी होती है, और उन इसी कूड़े से अपना खेल का वो मनोरंजन करती है, ठीक है नहीं। लेकिन वहीं आपके पास जो सुधा है दोस्तों, वो आपके पास बड़ी होती है, वो चित्रकार बनना चाहती है, अच्छी ट्रेनिंग लेती है और वो एक प्रसिद्ध चित्रकार बनती है, और वहीं अनु बड़े होकर अपने माता पिता के साथ वो मजदूरी का काम करने लगती है। तो दोनों सेम टाइम दोनों का जन्म होता है, सेम मतलब आपके पास दोनों लड़कियां हैं लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो ये दोस्तों बड़ा डिफरेंस बताता है कि गरीबी और एक आपके पास संपन्नता में कितना बड़ा अंतर होता है। ये मैंने कल अच्छे से आपको समझाया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी बातें मैंने कल आपको बताई थी, गरीबी के लक्षण बताए थे कि कौन लोग गरीब हैं, और ये भी बताया था कि जो गरीब होते दोस्तों उनके स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं ले पाते और अकाल ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ महिलाएं अपनी जो प्रेगनेंसी की जो अवस्था होती है उसी में उनकी डेथ हो जाती है बच्चा पैदा होने में, क्योंकि उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और कुछ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती तो वो रोगों से जो है दोस्तों खत्म हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं वो अपने बच्चे को पैसे की कमी के कारण मरता हुआ भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे गरीबी के लक्षण मैंने बताए थे, एक बार आपने रीड किया होगा अच्छे से। और मैंने ये बताया था कि गरीबी भी कई प्रकार की होती है, कुछ पूर्ण रूप से निर्धन होते हैं, कुछ उनसे थोड़े से सही होते हैं, कुछ उनसे सही होते हैं। इसी टाइप से अमीर वर्ग में भी होता है, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ धनी होते हैं, कुछ उनसे भी धनी होते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन गरीबी और अमीरी का भी है, ठीक है। कल मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, जो नए व्यूअर जुड़े हैं तो वो कल के वीडियो को प्लेलिस्ट में लाकर देख सकते हैं अच्छे से, और जो पहली बार जुड़ा है दोस्तों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करने से क्या होगा, आप सभी के जो फ्रेंड्स लोग हैं वो भी जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा बांटने से हमेशा बढ़ती, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, और आपको बस अच्छे से देखो बोरिंग लगता है आपको, एक घंटा बैठना दो घंटा बैठना बोरिंग लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बोरिंग समय ही आपका जीएस फाउंडेशन बढ़िया करते, और ये समय है कुछ कल गुजरने का, कुछ अपने लिए अपने घर वालों के, ठीक है। क्योंकि कोरोना के बाद कंपटीशन इतना बढ़ने वाला है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। फिर मैंने कल आपको बताया था कि गरीबी के लिए तो समितियां बनाई गई थी कि गरीबों की पहचान कैसे हो, तो एक तेंदुलकर समिति को 2005 में उन्होंने बताया था कि 2400 कैलोरी अगर उपभोग कोई व्यक्ति गांव में करता है पर डे तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता, या फिर 816 रुपए वो पर मंथ का पाता है तो गरीब की श्रेणी में नहीं आता। तो वहीं हमने ये देखा दोस्तों 2100 कैलोरी कोई अगर शहरी क्षेत्र में उपभोग ला रहा है व्यक्ति पर डे तो गरीब की श्रेणी में नहीं है, और अगर 1000 रुपए कमा रहा है पर मंथ तो गरीब की श्रेणी में नहीं है। और इसी क्रम में 2012 में रंगराजन समिति आई थी, उन्होंने भी यही बताया कि अगर ग्रामीण एरिया में कोई व्यक्ति 972 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और कोई व्यक्ति 1407 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है नहीं। तो इस समितियों ने अपना आकलन किया और इसी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं वो गरीबों की श्रेणी में आते हैं, और जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो आपके पास गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने वर्गीकरण बताया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा निर्धन रहते हैं, कुछ सामान्य निर्धन रहते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही देखा जाता है कि सिर्फ कालिक गरीबी इनके यहाँ जो है मौजूद रहती है। तो कुछ लोग यदाकदा गरीब रहते हैं, निर्धन रहते हैं, और कुछ अल्पसंख्यक के रहते हैं। ये सारी बातें मैंने कल बताई थी। जो आपके पास पहली बार जुड़े हैं वो पुराना वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। फिर मैंने निर्धनता रेखा के बारे में आपको बताया था, इन समितियों के बारे में यही सारी बातें यहाँ बताई हुई है। ये बताया था मैंने कि गरीबी का मतलब क्या, निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब निर्धनों की संख्या दोस्तों, अगर निर्धनों की संख्या की बात की जाए 2004-05 में 37% लोग भारत के निर्धन थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट का आंकड़ा तो मतलब 26 से 27 करोड़ लोग
भारत में अभी भी गरीबी है, लेकिन कोरोना काल के बाद अभी भी गरीब है 26-27 करोड़ लोग, लेकिन कोरोना के बाद स्थितियां बढ़ेंगी। कुछ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके थे वो दोस्तों फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और ये गरीबी का आंकड़ा बढ़ जाएगा। अब निर्धनता क्यों है, ठीक है नहीं, अब हम निर्धनता के दोस्तों कारण को जानने की कोशिश करेंगे। यहां से अपनी क्लास आज की शुरू होती है, अभी मैंने बैकग्राउंड आपका बनाया, ठीक है। तो निर्धनता क्यों होती है दोस्तों, उसके कारणों की हम पहचान करेंगे। तो निर्धनता के कारण हैं, एक आपके पास सामाजिक कारण और संस्थागत कारण। कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ संस्थागत होते हैं, ठीक है नहीं। जैसे निर्धन गुणवत्ता शिक्षा से दूर रहे और अच्छी आय उनकी नहीं होती है, ये भी एक मुख्य कारण है आपके पास निर्धनता के। तो अगर हम कारणों की बात करें तो पहला आपका होता है सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक राजनीतिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, धन का वितरण की असमानता, ये सारे जो है गरीबी के कारण होते हैं, ठीक है। जैसे सामाजिक कारण में क्या होता है दोस्तों, कि मान लो अगर कोई किसान गांव में जो भूमिहीन मजदूर होता है तो उसके पास भूमि नहीं है और वो डेली मजदूरी पर डिपेंड करता है, तो उसको अगर उसे मजदूरी नहीं मिलती है या तबीयत खराब हो जाती है, एक महीना उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ भी अर्न नहीं कर पाता, तो वो क्या काम करेगा, वो गरीबी के जंजाल में फंस जाएगा। या छोटे किसान है दोस्तों जो अपनी खेती के लिए साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं और फिर इतनी बड़ी ब्याज पर कर्ज जाता है और उनकी खेती का नुकसान हो जाता है और फिर वो साहूकारों के कर्ज जाल में फंस जाते हैं। ये सामाजिक है। आर्थिक कारण में यही है कि दोस्तों राजनीतिक मतलब आर्थिक रूप से इतना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो कृषि पर आधारित, ज्यादातर जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर, तो कृषि पर आधारित लोगों को अपने में समावेश नहीं कर पाया, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। और जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा दोस्तों तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी आय कम होगी और वो गरीब निर्धनता रेखा से नीचे चला जाएगा। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें हम दोस्तों, तो राजनीतिक कारणों में आपके पास कि लोग जो है जो सरकार योजनाएं चलाती है वो सही व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पा, ठीक है, और लोग अपने राजनीतिक अधिकारों का यूज नहीं कर पा, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है राजनीतिक असमान। यानी कि आपके पास जो योजनाएं चलती हैं वो भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उन योजनाओं का भी वो लोग फायदा उठा लेते हैं जो उसके लिए योग्य नहीं, ठीक है नहीं। और नेताओं की ये आपके पास एक प्रकार से लापरवाही होती है, अधिकारियों की लापरवाही होती है कि जो योजना है वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मजदूर जब प्रवासी मजदूर शहर में जाता है तो वो उस एरिया में नहीं जाता जहाँ पे VIP लोग रह रहे होते हैं या कुछ ऐसे लोग रह रहे होते हैं जो अच्छे मतलब संपन्न होते हैं, तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर देता है कि आप इधर मत रहिए, ये नहीं है सही, दुनिया भर की चीजें होती हैं और लोगों को जातिगत रूप से भी मतलब हतोत्साहित किया जाता है। ये सारी चीजें सामाजिक कारण भी हैं। तो बेचारा क्या होता है, ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर होता है जो उसके व्यक्तिगत विकास में बाधा उत्पन्न करती है। फिर ऋणग्रस्तता की बात आती है, जब दोस्तों ऋण व्यक्ति पे किसी अगर किसान साहूकारों से ऋण ले लेता है या शहर में कोई मजदूर या ठेली वाला किसी व्यक्ति से ऋण ले लेता है और भारी उन्हें संस्थागत ऋण मिलता नहीं है बैंकों से इनसे, और वो ऐसा उधार लेता है ब्याज पर और भारी ब्याज पर उधार लेता है, उससे ऋण नहीं चुका पाता तो क्या होता है, गरीबी के जंजाल में फंस जाता है। और धन के वितरण की असमानता दोस्तों, आप देखते हो धन का वितरण भी समान नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कुछ लोग ऐसे हैं वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसे गिनने के लिए भी टाइम नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों उन्हें भर पेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है नहीं। तो ये मैंने आपको काफी कारण गिनवाने की कोशिश करी कि गरीबी के जो है कारण क्या क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको गिनवाने की कोशिश करी। और अगर मैं और कुछ और कारणों की बात करूं दोस्तों, तो जैसे आय का कम होना, लोगों की आय, बेरोजगारी का बढ़ना, सरकारी योजनाओं का लोगों तक नहीं पहुंचना, तो ये सारे कारण भी जो है गरीबी के कारण है, ठीक है। और एक गरीबी के कारण ये कि शिक्षित, शिक्षा ना होना, स्वास्थ्य की सेवाएं ना होना, ये सारे कारण गरीबी के कारण है। और यहीं पे मतलब यहाँ पर इन्हीं कारणों की बात हुई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारणों के अंतर्गत की गई है, ठीक है, आपके समझ में आया होगा जैसे मैंने बताया। देखो इसमें ये कहा है कि आपके पास निर्धनता की अगर व्याख्या की बात करें तो समस्याओं के कारण की अगर बात करें तो पूंजी निर्माण,
यानी लोगों के पास डॉक्टर की आय नहीं है कि वो अपने आप को बेसिक जो सुविधाएं हैं उन्हें पा सकें, यानी अपने लिए घर की व्यवस्था कर सकें, रोज जो है पोषक भोजन खा सकें, पोषण युक्त भोजन, या आपके पास अपने बच्चों की शिक्षा पर यूज कर सकें, इतने जो है उनकी आय नहीं है। दूसरा, आधारित संरचनाओं का अभाव, यानी दोस्तों स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था, अच्छे घर की व्यवस्था, यानी कि आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं, अच्छे भोजन की व्यवस्था, ये सारी संरचनाओं का अभाव होता है और जिन लोगों के पास, तो वो गरीबी के जंजाल में पहुंचाते हैं। स्वच्छ जल नहीं होगा तो बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होंगी, तो क्या होगा, वो पैसा उधर इन्वेस्ट हो जाएगा और वो कर्ज लेकर भी लगा देगा बीमारी में पैसा, जिससे वो बेगरीब हो जाएगा। ठीक है, तो आधारित संरचना है। और इंडस्ट्री का भी इतना, या कुटीर उद्योग का, गाँव के आसपास उद्योगों का भी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो कुछ लोग जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल सके। ठीक है, दूसरा है मांग का अभाव। दोस्तों जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप मार्केट से क्या चीज लेना चाहोगे? कुछ नहीं लेना चाहोगे। मार्केट में आप देखोगे कि तो पैसे नहीं है तो क्या लोगे? तो जब गरीबी होती है तो मांग का अभाव रहता है, हम उस चीज को नहीं ले पाते जो हमारे विकास के लिए जरूरी होती है। फिर होता है सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, यानी सरकार नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है दोस्तों, लेकिन उन पॉलिसियों का अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण उन पॉलिसी का लाभ जो योग्य लोग हैं उन तक नहीं पहुंचता। इसलिए सामाजिक कल्याण की व्यवस्था का भी अभाव है कि लोग गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, और तो जहां गरीबी होती है दोस्तों वहां क्या होता है, भुखमरी होती है, कुपोषण होता है, बीमारी होती है, जनसंख्या दबाव होता है और आय में असमानता होती है। ये सारी बुराइयां जो है ये गरीबी ही इनका एक कारण है। तो इसलिए हमें गरीबी को बड़े अच्छे से समझना, तभी आप अधिकारी बनकर योजनाओं को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप अधिकारी बनकर लोगों की हेल्प कर सकते हो, तभी कर सकते हो आप। या गांव में कोई आपको पद मिलता है तो आप कर सकते हो, या आप सक्षम हो तो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बात जो दोस्तों यही बताई हुई है कि अंग्रेजों के टाइम पे जो है गरीबी के कारण क्या है, एक तो अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे उद्योगों को भी औद्योगीकरण कर दिया, यानी कि हमारे उन उद्योगों को नहीं बढ़ने दिया जो अंग्रेजों का के उद्योगों के कंपटीशन में थे, जैसे हस्तशिल्प उद्योग को बिल्कुल धराशायी कर दिया, नए उद्योगों का निर्माण किया नहीं गया, तो जो लोग हस्तशिल्प उद्योगों पर निर्भर थे वो कृषि में गए, कृषि पैदावार बढ़ा, यानी अंग्रेजों की जो नीतियां रही ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला गया, कृषि में विकास हुआ नहीं, तो अंग्रेजों की जो नीतियां रही दोस्तों उन्होंने भारत को खोखला कर दिया और लोगों के पास आय के साधन नहीं रहे, लोगों की आय निम्न रही और वो आज तक बनी हुई है। और इसी कारण दोस्तों 26 से 27 करोड़ लोग आज भी गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें यही दिया हुआ है कि ब्रिटिशों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खूब लूटा, हमारे जो उद्योगों को सस्ते दामों का उत्पादन के लिए अंग्रेजों के हाथों भेज दिया गया, भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का, वहां से माल तैयार होकर भारत को एक बाजार के रूप में देखा उन्होंने, भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया गया। ठीक है नहीं, और इतनी ज्यादा राजस्व वसूला गया दोस्तों, किसानों के पास बचता ही नहीं था कुछ भी, कि बस केवल अपने घर का व्यवस्था वो सही से चला सके इतना ही बचता था और कुछ नहीं बचता था, और इसलिए साहूकारों से किसान ऋण लेते थे और कभी कभी क्या होता था दोस्तों मौसम की मार पड़ जाती थी फसल पर या कीटनाशक लग जाता था तो वो किसान साहूकार का फसल बेजगार हो जाती थी, तो वो किसान साहूकार का क्या नहीं दे पाता था, ऋण भी नहीं दे पाता था और गरीबी के जंजाल में फंस जाता था, और जो छोटे किसान है दोस्तों वो खासकर ऋण के जाल में फंसते थे। ठीक है नहीं, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं, आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया वही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और छोटी छोटी जोतें आप देख रहे हो दोस्तों कि पहले आपके दादा परदादा इन पर जमीन ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं तो भूमि भी छोटी छोटी होती चली जा रही है, और जब छोटी जोत होती है दोस्तों तो उसमें उत्पादकता क्या होती है, कम होती है, और जब उत्पादकता कम होती है तो क्या होता है, किसान भूमि के लिए कर्ज लेता है, फसल नष्ट हो गई तो उससे क्या होता है, किसान कर्ज के जाल में फंस जाता है, और फसल खराब होने के कारण दोस्तों क्या होता है, किसान कहीं ना कहीं इतना भयभीत हो जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो आज जो कर्ज की वजह से आत्महत्या होंगी दोस्तों वो जीवन के लिए
मतलब बिल्कुल संकट है, हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ, सरकार के द्वारा बनाया हुआ। कि आज कुछ लोग इतने माल पैसे वाले हैं कि पैसे गिनने के लिए टाइम नहीं, और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि दोस्तों उनका ये नहीं पता कि आज जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें यही आपके पास दी हुई है कि आपके पास जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या का भी बढ़ना, रोजगार के वैकल्पिक स्रोत का ऐसा अभाव, और कृषि पर दबाव यानी कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं गरीबी के कारण रहे हैं। और रोजगारों का अवसर हमें मिल नहीं पाया, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, और सरकार की जो योजनाएं हैं दोस्तों उनका भी लाभ सही लोगों तक नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने हमारा भी औद्योगिकरण हुआ, भारत में औद्योगिकरण हो नहीं पाया, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, और रोजगार नहीं मिल पाया तो उनकी आय कम हुई, शिक्षा पर कम खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर कम खर्च हुआ। और दोस्तों जब ये सारी चीजें, मांग कम हुई बाजार में, डिमांड कम हुई, तो अर्थव्यवस्था भी लो में जाती है, ठीक है नहीं, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है गरीबी होना। ठीक है, अब देखो इनकी कहानी सुनो, कपास के किसान की आपका, ये आपके पास एक छोटी भूस्वामी है, बुनकर वैश्वीकरण से जुड़े आहातों के कारण, यानी कि वर्ल्ड से जो आपके पास कपास का व्यापार होता है उसके कारण ये ऋण के पास, मतलब पास में फंस गए, क्योंकि दोस्तों ये कपास चाय ये नकदी फसल होती है और इनसे कभी कभी मुनाफा भी होता है, लेकिन दोस्तों इनके आपके पास जो छोटे किसान होते हैं, इसमें इनकी सारी कहानी दी हुई है। देखो यहाँ से कि अनेक कारक इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या काम किया, परंपरागत जो कृषि होती है उससे हट के जब हम दोस्तों कृषि करते हैं तो उसमें क्या होता है, उत्पादकता अगर आपका मौसम के हिसाब से या कीटनाशक लग जाए, कपास के पौधे को अगर कीट लग गया तो सारी फसल बेकार हो जाती है। तो जो छोटे किसान होते हैं अगर वो आपके भूमि पर कपास बोई और कीट लग गया तो उनकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, और वो जो फसल का उत्पादन करते हैं वो ऋण लेकर करते हैं साहूकारों से, उन्हें संस्थागत ऋण मिल नहीं पाता बैंकों से, क्योंकि इतनी जमीन उनके पास होती नहीं। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें बताइए कि परंपरा से हटकर उच्च उत्पादकता खेती को अग्रसर होना, जब तकनीकी देखो अगर आप परंपरा से हटकर खेती करोगे दोस्तों, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा खाद होना चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए, और आपके पास कीटनाशक अच्छे लगाने हैं उसमें, और आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे होने हैं, तब जाके आपकी फसल बनती है। लेकिन दोस्तों अगर सिंचाई के साधन अच्छे नहीं है, आपके पास कीटनाशक आप नहीं दे सकते, अच्छे बीज निकाले हैं और वही सही कसर आपने साहूकारों से इतनी बड़ी ब्याज स्तर पर ऋण ले लिया है, तो दोस्तों अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आप ऋण के जाल में फंसी जाए, और जब ऋण के जाल में फंस जाते हैं तो ये गरीबी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये महिला भी ऐसी हैं, ये अपने फोटो दिखा रही हैं, इनके हस्बैंड ने आत्महत्या कर ली है और ऋण के जाल में, ठीक है नहीं, ये सारा बताया जा रहा है, ऋण के जाल में फंस गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। बड़ा किसान आत्महत्या करता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि तो किसान को हम क्या मानते हैं दोस्तों, अन्नदाता मानते हैं, और जब इस देश का अन्नदाता जो है आत्महत्या करता है तो बड़ा कष्ट होता है, कि जो अन्नदाता है, अन्न को उगा रहा है, वही अन्न खाने से मजबूर है, और वही गरीबी के मुंह का जो है क्या निवाला बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सारी चीजें सीखनी होंगी, और इसी को आप जब भी जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे गरीबी के चैप्टर को। अब आता है गरीबी निवारण के लिए नीतियां, सरकार ने क्या क्या नीतियां चलाई हैं गरीबी को खत्म करने के लिए दोस्तों। ठीक है नहीं, तो गरीबी को शुरू में तो यह था कि सरकार ने, मैंने आपको बताया था, पंचवर्षीय योजनाएं लाई भारत के विकास के लिए, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हुआ कि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके, कृषि में जो है हरित क्रांति को शुरू किया गया, बड़े अच्छे बीज लाए गए, अच्छे कीटनाशक, सस्ते उर्वरक का यूज किया गया, तो ये सारे सरकार के प्रयास है। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि अब समाज से अपेक्षाकृत भाग्यशाली वर्गों तक पहुंचना चाहिए, यानी कि इन्होंने ये कहा कि सरकार ने गरीबी निवारण की दिशा में सरकार द्वारा जो नीतियां हैं उन पर चर्चा शुरू की। ठीक है नहीं, उन पर चर्चा है कि सरकार जो गरीबी के लिए काम कर रही है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो सरकार ने ये बात बताई कि आर्थिक समृद्धि के लिए जो घरेलू उत्पाद है GDP, वो प्रति व्यक्ति आय जो होती है
उसमें तीन व्यक्ति का प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों का लगाने का विचार आया और सरकार का विचार था कि जीडीपी को बढ़ाओ, और जीडीपी जब बढ़ेगी तो उस विकास का जो आर्थिक ग्रोथ होगी उसका लाभ सभी लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है नहीं। और आपके पास हरित क्रांति के माध्यम से भी कृषि का पूर्ण कायाकल्प करने की बात की गई। लेकिन दोस्तों हम देखेंगे क्या वास्तव में इनसे हुआ, क्या जीडीपी बढ़ने से उसका लाभ सब लोगों को पहुंच पाया, या हरित क्रांति से सब लोग लाभान्वित हो पाए, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, समझनी होंगी। धीरे धीरे हम आगे चैप्टर में देखते रहेंगे। ये काम सरकार द्वारा काम के बदले अनाज योजना चली थी, उसका एक दृश्य है कि आप काम कीजिए आपको खाने के लिए अनाज मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो आर्थिक समृद्धि के लाभों को निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए। जब सरकार ने देखा कि बड़े बड़े उद्योग भी लगा दिए, इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस क्रिएट किया गया, लेकिन सरकार ने देखा दोस्तों ये उद्योग, ये जो बड़े बड़े जीडीपी बढ़ी है ये, देखिए इनका प्रभाव जो है गरीबों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि दोस्तों गरीबों तक प्रभाव को पहुंचने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। लेकिन जो जीडीपी बढ़ी, जो आर्थिक ग्रोथ हुई, जीडीपी क्या होती है कि एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य। जीडीपी बढ़ी दोस्तों, लेकिन उससे क्या हुआ, भारत में असमानता बढ़ गई, कुछ जो संपदा है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई, और जो भारत का विकास हुआ जीडीपी बढ़ने का वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने योजनाएं चलाई, जो आपके पास सरकार ने फैक्ट्री लगाई, तो उसका लाभ, उत्पादन का लाभ, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन उत्पादन का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। सरकार उस लेवल पर बेरोजगारी, मतलब आपके पास रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाई कि सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। और दोस्तों भारत का बसता है, भारत बसता है गाँव में, और गाँव में गरीब कौन है, भूमिहीन किसान या छोटी आय वाले कृषि श्रमिक। आप ये बताओ कहीं कंपनी लगी हुई है तो उसका फायदा किसानों को कहाँ से हो रहा है, उसका फायदा किसे हो रहा है, व्यापारी को, बिजनेसमैन को। जब लोग आप उन भूमिहीन मजदूरों के लिए, उन कृषि श्रमिकों के लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं चलाओगे तब लोग वो गरीबी से बाहर नहीं। लेकिन दोस्तों जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। फिर आपके पास जो हरित क्रांति हुई उसका क्या फायदा हो पाया सभी लोगों को, दोस्तों हरित क्रांति का भी लाभ सब लोगों को नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हरित क्रांति किन क्षेत्रों की विशेषता रही, जो डेवलप क्षेत्र थे जहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे थे, जिन लोगों के पास पूंजी थी कि वो बीज खरीद सकें और खाद खरीद सकें, तो उन लोगों के पास जो है हरित क्रांति का उन लोगों को लाभ मिला, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब के लोग। लेकिन देश का बाकी हिस्सा, बिहार या और हिस्से हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो पाए, क्योंकि सभी के पास ना तो पैसे थे, पूंजी थी अच्छे बीज खरीदने के लिए, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, और ज्यादातर कृषि मौसम पर ही आधारित थी, और मौसमी कृषि जो होती है दोस्तों उसमें रिस्क ज्यादा रहता, अगर मौसम सही हुआ तो हो गई और नहीं तो जो है वो आपकी प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए रोजगार को लेकर, वो स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए, एक ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी गांव में जो है रोजगार की व्यवस्था करना, एक सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया दोस्तों, ठीक है। और आपके पास आगे का सरकार ने कार्यक्रम चलाए, एक चलाया प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है नहीं, कि इसके तहत लोगों को रोजगार दिया गया। एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी शहर में जो गरीब लोग हैं उन्हें रोजगार देने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को शुरू किया गया। और एक आपके पास चला गया इस समय जो फेमस है, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत क्या हुआ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो निम्न आय के परिवार थे के शिक्षित बेरोजगारों को उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो कम आय वाले लोग थे, शिक्षित थे वो लोग, तो उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों से मतलब एक वित्तीय सहायता दी गई, ठीक है नहीं। और इसी टाइप से शहरी, मतलब स्वर्ण जयंती योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में
जो मजदूर थे ठीक है नहीं, उनके लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर शुरू करे गए। और एक आपके पास राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन चला गया, इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका आजीविका मिशन में दोस्तों, इसमें लोगों की आजीविका के लिए, लोगों की आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए ठीक है। और एक 2005 में आप जानते हो कि मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, मनरेगा कार्यक्रम का भी उद्देश्य है जो आपके पास राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, उसका भी उद्देश्य दोस्तों वो गांव में गरीबी को खत्म करना है, जिसके तहत एक परिवार को 100 दिनों की, जिसके तहत एक परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है ठीक है नहीं। तो इसमें ये लिखा हुआ देखो 100 दिनों तक अकुशल श्रमिक कार्य की गारंटी दी गई है मनरेगा कार्यक्रम जिसको चलाया गया है। और आपके पास और भी निर्धनता की दिशा में जो कार्यक्रम चलाए गए दोस्तों, जैसे निर्धनों का जो उपभोग है, रोजगार के अवसरों को सृजन कराना, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, शिक्षा में सुधार करना, ये सारी चीजें भी पंचवर्षीय योजनाओं में चलाई गई। रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया ठीक है, निर्जनों मतलब निर्धनों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, शिक्षा की, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, और आपके पास संचार की व्यवस्थाएं और विद्युत की व्यवस्थाएं। और इन्हीं के तहत दोस्तों एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसका भी उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जो निर्धन महिलाएं हैं, उनके लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराना, उनके लिए गैस की व्यवस्था कराना, निःशुल्क व्यवस्था कराना, जिससे वो महिलाएं अपना जो है कम से कम वो प्रदूषण से बच सकें, जो चूल्हे के द्वारा जो गोबर या लकड़ी जलाने से जो प्रदूषण होता है वो महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो महिला को सबसे पहले आधी आबादी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, इसलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में उन्हें सिलेंडर दिए गए हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं, अब उनके यहाँ भी गैस हो चुकी है, हो सकता है कि आप लोगों में से भी उसको उस श्रेणी में आता हो, और उनके यहाँ व्यवस्था हो चुकी है और अब उनकी महिलाएं भी स्वस्थ वातावरण में जी रही हैं ठीक है। एक चलाया दोस्तों प्रधानमंत्री मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, एक आपके पास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके तहत जो है गांव के जो लोग हैं उनके लिए कौशल की व्यवस्था की गई, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई कि ताकि वो अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सकें। एक दोस्तों चलाया आपके पास निर्धनों के उपभोग के लिए, ये चलाया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आप पीडीएस सिस्टम बोलते हो ठीक है नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आप देखते होगे हर गांव में डीलर के यहाँ से राशन मिलता है, तो वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही मिलता है। और इस कोरोना काल में तो दोस्तों ये प्रणाली बड़ी मतलब लाभ पर सिद्ध हुई है, जो गरीबों तक अनाज पहुँचाया सरकार ने फ्री में, वो इस प्रणाली के तहत ही पहुँचाया है। एक है एकीकृत बाल विकास योजना, आपने देखा गाँव में आंगनबाड़ी होती है, तो आंगनवाड़ी का मतलब क्या काम क्या रहता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पोषण युक्त जो है एक भोजन मतलब भोजन की व्यवस्था की जाए और उनके विकास की व्यवस्था की जाए छोटे बच्चों को, तो ये आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया था। एक चलाया मध्य विकास योजना, जो मिड डे मील होता है, आप देखते हो प्राइमरी में खाना बनता है उसे मिड डे मील कहा जाता है, तो ये भी चलाया, इसका मकसद यही है जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ना है उन्हें सही पोषण युक्त भोजन मिले, तो ये सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं गरीबी को दूर करने के लिए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए। एक कार्यक्रम चलाया आपके पास दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना, इसके तहत सरकार क्या काम कर रही है, मतलब बहुत ही सस्ते घर प्रोवाइड करा रही है वो लोग जो जिनके पास आवास नहीं है, उनके आवास इस स्थिति के हैं कि वो बेचारे वहां मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते। एक आपके पास चलाया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम इसके तहत क्या दोस्तों, इसके तहत आपके पास 2013 यानी खाद्य सुरक्षा की बात की गई है और की सरकार और आर्टिकल जो 47 है
उसमें भी कहा गया राज्य के नीति निर्देशक में कि सरकार लोगों के पोषण के लिए कार्य करेगी और जीवन स्तर को उठाने का काम करेगी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लोगों के पोषण के लिए ध्यान रखा गया है, उसमें लोगों के पोषण को उठाने और जीवन स्तर को उठाने का काम किया गया है। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है गरीबी को ट्रैकल करने के लिए। अब दोस्तों गरीबी निवारण जो कार्यक्रम ये चले, अब उनकी अगर समीक्षा करें कि क्या वास्तव में उनसे लाभ हो रहा है दोस्तों, कि आपके पास निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता, बुनियादी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव, इन सारी चीजें निर्धनता से शुरू होती है। और ये जब सारी चीजें नहीं होती, जहाँ कुपोषण होता है वहाँ निर्धनता होगी, जहाँ भुखमरी होता है वहाँ निर्धनता कारण होगी, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अभाव होता है वो निर्धनता का कारण बनता है, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, ये सारी चीजें निर्धनता का कारण बनता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जितने कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये जो कहानी आप पढ़ सकते हो कि रामदास गोड़वा की कहानी है, ये बेचारे एक जनजाति जनजाति क्षेत्र में रहते हैं और इनके गांव में एक सड़क बनती है दोस्तों, उस पर 17 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और ये इस गांव में इस जनजाति का एक ही परिवार है और वैसी कच्ची सड़क है, बस उस पर मट्टी पड़ जाती है और 17 लाख रुपए आराम से अधिकारी और नेता लोग चपत कर जाते हैं, खा जाते हैं। यानी कि अधिकारी लोग केवल मट्टी पड़वा देते हैं, एक ही परिवार है मात्र उस गांव में। इनकी वैसी आप सकता है तो पूछते नहीं कि आपको क्या परेशानी है, बस कागजी काम कर देते हैं और पैसे का बंदरबाड़ हो जाता है। तो हमें यही देखना है दोस्तों, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं गरीबी निवारण के लिए, क्या वो उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं? लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है सरकार दोस्तों, उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और उनका जब सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो अधिकारी और नेता लोग उस पैसे का जो गरीबों के लिए होता है, जो हक होता है उनका, उसका बंदरबाड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो योजनाएं जितनी है सरकार की, अधिकारी, बैंक के कर्मचारी इनके तहत चलती हैं और इन लोगों में दोस्तों चेतना का अभाव होता है। इन्हें तो ये लगता है कि हमें तो सैलरी मिल रही है बढ़िया से, गरीबों का चाहे जो, ठीक है नहीं। इनके पास प्रशिक्षण होता है, संवेदना की कमी होती है, भ्रष्टाचार में ये लिप्त होते हैं और इनके कारण दोस्तों ये संसाधनों की दुरुपयोग होता है और बर्बादी होती है। जो वास्तव में गरीबों के लिए चीजें लाई गई थी जिनसे गरीबी को ट्रैकल किया जा सकता था, वो सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं और गरीब बेचारा जो है गरीबी का जीवन जीने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है, ठीक है नहीं। तो इसमें यही सारी बातें बताई गई हैं और इसमें यही कहा गया अंत में कि निर्धनता का वास्तविक अंत, निर्धनता का वास्तविक अंत जब हो सकता है जब निर्धन लोग भी सक्रिय भागीदारी निभाएं, ठीक है नहीं, और आपके पास आर्थिक समृद्धि में योगदान देना आरंभ करेंगे। यानी निर्धनों को खुद आगे आना होगा, आपको सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, आपको थोड़ा बिजनेस करना होगा या कुछ भी करना होगा। और दोस्तों अब सरकार ने एक स्वयं सहायता समूह, ये भी एक गरीबी निवारण में बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है कि महिलाएं जिन्हें ऋण नहीं मिलता था बैंक से तो, या जिनके पास जमीन नहीं थी तो वो महिलाएं 10 लोगों का ग्रुप बनाती हैं, उस समूह को बैंक से ऋण मिल जाता है और फिर उसके माध्यम से वो छोटा मोटा बिजनेस करके अपने घर का मतलब पालन पोषण कर सकती हैं और उसके बाद गरीबी से बाहर आने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो समूह वाला कार्यक्रम चला गया, ठीक है नहीं, राष्ट्रीय मतलब स्वयं सहायता समूह वाला। तो इसमें ये कहा गया कि गरीबों को भी आगे आना होगा, उन्हें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी आर्थिक संबंधि में और उन्हें एक्टिविटी दिखानी होगी, जागरूकता दिखानी होगी, ताकि ये सरकारी अफसर या नेता या और आपके पास लोग, गांव का प्रधान है ये लोग, उनके अधिकारों को बंदरवाट ना करें, ठीक है नहीं। उन्हें अपने बच्चों पे स्वास्थ्य है, साक्षरता है, आपके पास ये स्तर उन्हें मुझे उठाने होंगे कि ताकि ये सारी चीजें वो एक ऐसा मतलब रोजगार पा सके जिससे निर्धनता से बाहर आया जा सके। तो निष्कर्ष में ये सारी बातें आपके पास समीक्षा में मैंने आपको बताया, निष्कर्ष में यही बातें हैं कि निर्धनों की निर्भीक संख्या में कमी भले ही आई है लेकिन कुछ राज्यों में आज भी निर्धनता ज्यादा है, जैसे यूपी, बिहार, ठीक है नहीं, और आपके पास मध्य प्रदेश, ये राज्य ऐसे हैं कि अभी भी यहाँ निर्धनता काफी है। अब बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति सरकार को करनी होगी और जो सरकार की योजना है उनका सही से क्रियान्वयन करना होगा और सामाजिक आर्थिक विकास की जो हमें धारणा लेकर चले हैं हमें उस पर आगे बढ़ना होगा और अर्थव्यवस्था के जो कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों वो आपके पास विदेशी देशों से स्पर्धा भी कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक है नहीं, और तभी जो है रोजगार बढ़ेगा,
रोजगार बढ़ेगा, गरीब लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, सरकारी योजनाओं का हमें लाभ मिलेगा और आपके पास अब संरचना का विकास विकास होगा, तो उनकी बेसिक सुविधाएं पूरी होंगी, सस्ते आवास मिलेंगे और गरीब भी अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, लाभ गरीब तक पहुंचेगा, तो कहीं जाकर गरीब इस निर्धनता के दुर्चट से मुक्त हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने बड़े अच्छे से जो है गरीबी के कारणों को पढ़ा और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को पढ़ा, उसकी अच्छे से समीक्षा करी और अच्छा निष्कर्ष हमने वो सही से समझा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आज आपका जो है चैप्टर खत्म हो जाता है निर्धनता वाला चौथा चैप्टर, और कल हम आपको सेम मतलब सेम टाइम 6 बजे जो है अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है, जब तक आप इसे पढ़िए, और मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो नए व्यूअर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोज क्लास पढ़ने के लिए और जानकारी के लिए, और आपके पास आपको पहले की अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो प्ले लिस्ट में जाइए 9th क्लास 10th क्लास, और वहाँ आपको सारी एनसीईआरटी उपलब्ध हैं, मैं करा चुका हूँ, और 11th क्लास की भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है नहीं, डेली पढ़िए, बोरिंग लगेगा कोई बात नहीं, लगने दीजिए, जब एक बार आपके समझ में आएगा तो आपको ना तो एग्जाम हॉल में परेशानी आएगी, ना दोस्तों आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी आएगी, और तब आप अपने खेती का, अपने रोजगार का, अपनी शिक्षा का, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से यूज कर सकते हैं, और अपने अधिकारों का भी यूज कर सकते हैं, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी प्लान बना सकते हैं, सोच सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम आपके पास 6 बजे, और पूरी जो है ऊर्जा के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, और इसी तरीके से डेडिकेटेड रूप से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।